तो ये थी शालिनी के दुख भरे रिश्तों की कहानी। बस करण बस, मुझे और नहीं सुनना है दीपक के बारे में या समीर के बारे में। तुम पता नहीं क्यों उन सब चीजों के बारे में इतना क्यों सोचते हो। दीपक ने शालिनी से क्या कहा, रीमा ने दीपक पर क्या जादू किया। अरे समीर को अपनी बहन की यह हालत देखकर तो गुस्सा आना ही था। बिचारी शालिनी क्या करे, बिचारी शालिनी दुखी है, बिचारी शालिनी परेशान है। ओ कम ऑन करण, तुम एक डॉक्टर हो, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और आजकल तुम्हें देखकर मुझे लगता है तुम एक फैमिली क्राइसिस के स्पेशलिस्ट हो गए हो। करण तुम्हें अपने करियर पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है तुम्हें अपना प्रोफेशन छोड़कर शालिनी के स्टूपिड पति और उसे क्रिमिनल भाई के बारे में इतना सब सोचना चाहिए। सच कहो करण, मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी। ज्योति, मैं सच में नहीं जानता था कि तुम शालिनी के इतनी खिलाफ। नहीं करण, मैं किसी के खिलाफ नहीं, मुझे बस तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारे दिल टूटने का डर है मुझे। लगता है बहुत कुछ कहने आए हैं आप मुझसे आज, जिसमें शायद आपकी माफी भी शामिल हो। देखिए, अगर आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उस बात का आपको बहुत अफसोस है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि किसी की गलती को इतनी आसानी से माफ कर देना मेरी आदत नहीं है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको इस घर से जाने के लिए नहीं कहूंगा जिस तरह से आपकी पत्नी ने मुझे आपके घर से जाने के लिए कहा था। मैं उस बात के लिए बहुत शर्मिंदा है, जानता हूं। देखो मां, कौन आया है आज? हमदर्दी का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है कर्ण शर्मा। मुझे पापा कहकर बुलाओ बेटा, पापा कहो। कभी नहीं, मैं आपको यह सुख कभी नहीं दूंगा कर्नल शर्मा। वीर, मुझे क्यों सजा दे रहे हो? मैंने क्या किया है? आखिर मेरा दोष क्या है? दोष? अब एक धोखेबाज को मैं क्या बताऊं कि वो कितना बड़ा धोखेबाज इंसान है। पहले मेरी मां को धोखा दिया और अब अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है। एक ऐसा वक्त था जब आप मुझे अपना नाम देने से मुकर गए थे, और आज मुझे आप अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा, नेवर। सुन रही हो सावित्री? सुन रही हो तुम? हमारा बेटा मेरे लिए मन में कितनी कड़वाहट लिए बैठा है। सुन रही हो ना तुम क्या क्या कह रहा है? जो कुछ भी कह रहा है सच कह रहा है। अरे मैंने तो सुना था कि बच्चे मां बाप के प्यार की निशानी होते हैं। मैं क्या आपके पाप की निशानी था जो मुझे मुझे मेरी मां की कोख में छोड़कर चले गए थे आप? तब डर गए थे आप इस परिवार से, समाज से, सब कुछ से। मुझे मेरे बाप का नाम आज तक नहीं मिला। आज अचानक आपके मन में बाप का प्यार उमड़ आया। जिंदगी भर मेरी मां के नसीब में दुखों के कांटे नसीब हुए, आज इसके सामने ये आंसू बहाना चाहते हैं आप, हमदर्दी के आंसू। अरे जाइए यहां से, अगर आप यहां माफी मांगने आए हैं तो मैं आपको माफी देने से इनकार करता हूं। आप चाहे लाख कोशिश कीजिए मुझे अपना बेटा बनाने की, मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाने की, मैं आपके इस ढोंग भरे पश्चाताप को नकारता हूं। आई सिंपली डिनाय इट। और मैं भी सावित्री की तुम्हारी मां की कसम खाकर कहता हूं कि एक दिन तुम मुझे अपना बाप जरूर मानो। ऊपर वाले ने हमें बाप और बेटे के रिश्ते में बांधकर भेजा है, इस रिश्ते को तुम तो क्या कोई भी नहीं तोड़ सकता, कोई भी नहीं तोड़ सकता। नहीं राजीव, मैं ये बात नहीं मान सकती।
निकिता मेरी बात का विश्वास करो, ऐसा ही है। वीर ने त्रिपाठी को पैसे दिए थे कि वो केस को ड्रॉप कर दे। त्रिपाठी ने इस केस की काया पलट के मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। वैसे राजीव बुरा मत मानो, लेकिन किसी ने भी समीर की जिंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि उसने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद की। कोई भी उसका हाथ पकड़कर उसे जुर्म के रास्ते पर नहीं ले गया था, बल्कि सब लोगों ने यही कोशिश की थी कि वो जुर्म के रास्ते से बाहर आ जाए। और इस बात का भी अफसोस मत करना कि समीर के साथ जो कुछ भी हो रहा है, मुझे इस बात का जरा भी बुरा नहीं लग रहा। निकिता, तुम्हारी बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन समीर मेरा तो भाई है। अपने भाई के साथ ऐसे गुजरे तो मुझे दुख तो होगा। दुख तो मुझे भी उतना ही दुख है जितना कि तुम्हें। समीर के साथ रिश्ते में मैं भी पति थी, मेरे भी परिवार का हिस्सा था, मेरे पति का। भैया, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी, कहां चले गए थे इतनी रात को? लो कर लो बात, क्या हुआ भैया? तुम बोल क्यों नहीं रहे? राम राम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, अरे यूं चुप चुप उदास क्यों हो? किसी ने कुछ कह दे क्या तुमसे? राम राम भैया, कुछ तो कहो। अच्छा ये बताओ कि तुम इतनी रात को किससे मिलने गए थे? लो कर लो बात भैया, अपनी बहन से छुपाओगे? कुछ तो बताओ भैया। मैं टूट गया हूं, हार गया हूं। राम राम भैया, मेरे सामने ऐसी बातें मत किया करो, मेरा दिल दुखता है। मेरी बदनसीबी देखो भैया, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन होते हुए भी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कैसे करूंगी? जब तुम कुछ बताओगे तभी तो कुछ कर सकूंगी। बताओ ना भैया क्या हुआ? क्या बताऊं मैं? जिसका बेटा उसे बाप मानने से इनकार करता है, जिसकी पत्नी उसके साथ एक कमरे में रह नहीं सकती, क्या बताऊं? कोई मुझे नहीं चाहता भैया, कोई मुझे नहीं चाहता। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। अच्छा एक बात पूछूं, सच सच बताओगे भैया? तुम वीर से मिलने गए थे? हाँ, क्या करूं, एक हारा हुआ बाप हूं ना, और उधर शीला पुराने ख्यालों को दिल से लगाए बैठी, मुझसे पूछती है कि मेरे अपने कौन है, वो या वीर? अब बताओ विद्या, मैं क्या जवाब दूं उसकी बात का, क्या कहूं मैं उससे? मैं समझ सकती हूं भैया, लो कर लो बात, लेकिन क्या करें, भाभी ने वीर वाली बात को कुछ ज्यादा ही अपने दिल से लगा लिया है। राम राम, लेकिन भैया तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी, मैं समझाऊंगी भाभी को, लो कर लो बात। अरे इतने सालों पुराना रिश्ता है, कोई यूं ही थोड़ी टूट जाएगा। नहीं विद्या, वो नहीं मानेगी, मैं जानता हूं उसे, नहीं मानेगी। भैया तुम्हें अपनी बहन पे भरोसा नहीं है? बहना, मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है, लेकिन मैं शीला को पिछले 25 साल से जानता हूं, बहुत जिद्दी है वो, बहुत जिद्दी है, नहीं मानेगी, नहीं समझेगी वो, नहीं समझेगी वो। भैया फिर भी देखा सोनिया, देख रही है बेटा तू कैसे एक एक करके ये सब के सब टूट रहे हैं। राम राम, सब टूट रहे हैं, एक
एक दूसरे से सब अलग अलग हुए जा रहे हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं इन लोगों को हमेशा के लिए अलग अलग देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक एक करके ये सब के सब बर्बाद हो जाए। ओफो, ये कौन है जो बार बार घंटी बजाया जा रहा है? यस, आज शालिनी का जन्मदिन है ना? अरे करण, तो एनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे शालिनी। ओह माय गॉड, थैंक यू। तुम्हें याद था? क्यों, याद नहीं होना चाहिए था क्या? नहीं, जो अपने हैं जिन्हें परवाह है उन्हें तो याद रखना ही चाहिए। अगर मुझे पता होता कि तुम आने वाले हो तो कुछ मिठाई मंगवाती, केक मंगवाती। केक में लाया हूं। तुम मुझे इतना स्पेशल फील करवा रहे हो। कम ऑन शालिनी, अभी बातें छोड़ो, आओ केक काटते हैं। कम कम। ओके। आओ शालिनी, आओ केक काटो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank Happy you. Happy birthday. Yeah. Happy birthday. Thank you. Karan, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। एक मिनट। हेलो शालिनी बेटा, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू सो मच माँ। भगवान करे तेरी जिंदगी में आए सारे दुख दूर हो जाए। तेरी जिंदगी में आया ये नया साल तेरे लिए ढेर सारी खुशियां लाए मेरे बच्ची। ऐसे ही होगा माँ, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है कि अब अपनी जिंदगी को मुस्कुरा के जीना सीख लूंगी। मेरी बच्ची, बस इसी तरह मुस्कुराती रहना, खूब खुश रहना। अच्छा सुन, आज रात डिनर हमारे साथ करना, मैं तेरी पसंद की सारी चीजें बनाऊंगी। माँ, आज रात के प्रोग्राम का तो मुझे ठीक से पता नहीं, मगर हाँ अभी लंच पे मैं करण के साथ बाहर जा रही हूँ। अच्छा, करण आया है? हाँ माँ, देखो ना, बुके लाया है, केक भी लाया है। सो स्वीट ऑफ हिम। अच्छा माँ, चलती हूँ, देर हो रही है, आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय बेटा। बाय माँ। चलिए करण। आफ्टर यू। मेरे जन्मदिन का केक आप लोग भी खा लीजिएगा। हूँ थी तुमको, इसीलिए मेरे दर्शन करने यहां चला है। दरअसल देखना चाहता था कि सलाखों के पीछे कैसे लगते होते। ठीक हूं, मजे कर रहा हूं, मजे आ रहे हैं, और क्या चाहिए?
शायद तुम भूल रहे हो समीर के तुम किसी 5-स्टार होटल में नहीं बल्कि सलाखों के पीछे हो। ये तो देखने वाले की नजर और सोच पर है वीर, मुझे इस तरफ से तुम सलाखों के पीछे दिखाई दे रहे हो। वैसे जगह बदल जाने से राजा राजा नहीं होता क्या? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कहावत बहुत पुरानी हो चुकी है लांबा, यहां ना तो रस्सी जली है ना बल गया है। कहावत कभी पुरानी नहीं होती समीर। वो एक बहती नदी की तरह होती है, हमेशा नहीं। तुमने सच कहा लांबा, इसका बल अभी तक कम नहीं हुआ। एक काम करते हैं, एक नई रस्सी लेकर आते और फंदा बनाकर डाल देते इसके गले में। पर इसके गले में फांसी का फंदा डालेगा कौन? कानून। कानून कब काम आएगा? इसके गले में फंदा कानून डालेगा। Ha 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 ha